यहाँ पे भी देखो चूजे कितने अच्छे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। भाई दो बर्ड्स और ले लिए अब इनके लिए, एक भाई घर देख लेते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ ये वाला ले लेते हैं। देख सकते हैं जी काफी बर्ड्स हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। फिलहाल टाइम हो चुका है जी सुबह के 9:30। गाइस आज हम सिटी जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बाय करने, जो कि आप लोगों को भाई बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। कौन सी वो चीजें ब्लॉग के आगे आपको पता चल जाएगा जी। फिलहाल अपने बर्ड्स, एक तो भाई इनके लिए पिंजरा लेना, पिंजरा जहाँ से हमारे मिला नहीं कहीं भी सिटी से मिल जाएगा बड़ा वाला पिंजरा, क्योंकि पिंजरे के बीच में भाई जी उड़ पाएंगी, तो छोटा सा जो पिंजरा ना ही भाई अच्छे तरीके से खेल पाती है, तो इसलिए भाई पिंजरा इनके लिए लेना पड़ेगा। गाइस एक बार रैबिट्स को भी देख लेते हैं। तो ये है जी अपने रैबिट्स जो कि घास खा रहे हैं आराम से। गाइस निकल चुके हैं जी घर से, गाड़ी पे जा रहे हैं, क्योंकि फिश एक्वेरियम जो होता है वो काफी बड़ा होता है, गाड़ी में आराम से आ जाएगा और पिंजरा वगैरह भी। तो चलो चलते हैं फिर निकलते हैं, टाइम ऑलरेडी यार काफी ज्यादा हो चुका है। बात ऐसी है कि हम सिटी में जा रहे हैं बट रास्ते पे ना एक टोल प्लाजा है, टोल प्लाजे की भाई फी पता कितनी है, 120 रुपए भाई जाने की, 120 रुपए आने की, 240 रुपए। तो इससे बचने का भाई एक तरीका है, जहाँ से भाई एक रास्ता जाता है सिंपल सा भाई 250 रुपया सेव करो यार, सीधी सी बात है। तो चलो फिर इसी रास्ते चलते हैं शॉर्टकट। वो रह गया भाई जहाँ पे देख सकते हैं टोल प्लाजा। फाइनली हम आ चुके हैं जी और टोल प्लाजा भाई रह चुका है पीछे। एक बार भाई मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो वो है गाइस पीछे रह चुका टोल प्लाजा। ओनली 5 मिनट लगे हमको और 240 रुपए की सेविंग हो चुकी है। फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं जी बर्ड्स वाली मार्केट, जहाँ से पिंजरा मिल जाएगा। देख ला चल जा अंदर। तो ये है जी भाई खरगोश, ये तो अभी काफी छोटे छोटे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी है। तो भाई हमने चिड़िया और ले ली है इस तरह की, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली है ना दो और ले ली, दो हमारे पास पहले थी, अब 4 हो चुकी है। तो चलो फिर लेके चलते हैं, पिंजरे भी है जहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइस फिर चलते हैं, जहाँ पे भी देखो चूजे हैं कितने अच्छे हैं, जहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये भी ले गए हैं ये तो, बट हमारे पास में यार मिल जाएंगे। तो तो अभी हम फिलहाल गाइस चलते हैं, गाइस दो बर्ड्स और ले लिए अब इनके लिए, एक भाई घर देख लेते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ ये वाला ले लेते हैं। तो भाई साहब आ चुके हैं जी हम मार्केट में, मार्केट में देख सकते हैं भाई काफी भीड़ है जहाँ पे और सजे हुए मार्केट, दिवाली है ना। तो गाइस बात ऐसी है कि सारी मार्केट हमने कवर कर ली, बट जो बोलने वाला तोता होता है ना भाई वो नहीं मिला, तो अब यार ऐसे जाना पड़ेगा। तो पिंजरा वगैरह भाई एक देख लेते हैं, कार पे आए तो हुए ही है भाई। इस वाली घर पे वापस आ चुका हूँ। बात ऐसी है कि यार मैंने सोचा था बोलने वाला पैरट ले आते हैं, बट दिक्कत क्या है, दुकान वाला बोल रहा था कि जे अभी नहीं बोलता, इसको ना ट्रेंड करना पड़ता, बोलना सिखाना पड़ता, कम से कम इसको बोलने के लिए 6 मंथ का टाइम लग जाएगा। मैंने स्किप कर दिया यार, क्योंकि मैंने सोचा किसी से पूछ लेंगे बाद में, अभी मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है पैरट के बारे में। अगर आपको पैरट के बारे में भाई नॉलेज है कमेंट करके बता दो, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनको नॉलेज होती है। जो दो बर्ड्स मैंने लिए थे वो जहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मेरे पास 2 थे और 2 और ले लिए, जे 4 हो चुके हैं, अब आराम से खेलेंगे यार मैंने सोचा। तो गाइस इनका जो पिंजरा है, पिंजरा तो मैंने नहीं लिया, पिंजरा दोस्तों मिल रहा था सिटी में बट उसकी क्वालिटी थी ना बहुत ही ज्यादा हल्की थी, इसलिए भाई मैंने नहीं लिया। गाइस पिंजरे की जगह मैंने क्या किया, एक मजबूत सी जाली ले ली, जहाँ पे आप देख सकते हैं 15-20 फीट की भाई जाली होगी। घर पे इसे पिंजरा बनाएंगे, एक तो भाई मजबूत बन जाएगा, एक तो भाई अपने मन मुताबिक बन जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसके अंदर ना ही बिल्ली वगैरह अटैक कर सकती है। जो उनके पास भाई पिंजरा मिल रहा था बहुत ही ज्यादा हल्का था, उसमें दोस्तों कोई भी पंछी आ सकता है, बिल्ली वगैरह अटैक करके जा सकती है। तो गाइस खरगोश को एक बार कर लेते हैं जी चेक, खरगोश देखो यार। तो अभी तो इनके यार खाना भी नहीं है भाई इनके पास, इनको भाई खाना भी डालना पड़ेगा, ना इनके पास पानी है भाई, सभी इनको डाल देते हैं जी घास। अजो अजो ले 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 ले, अजो 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 अले ल, अजा अजा इधर, अजा अजा ले ले ले, वे ले।
तो भाई सभी मैंने इनको छोड़ दिया, आधा घंटा भाई ऐसे बाहर रहने देते हैं क्योंकि भाई सारा दिन जे पिंजरे के अंदर होते हैं। अब जे अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, अपने आप ही भाई खा लेंगे पिंजरे के अंदर घास वगैरह जाके। भाई एक मैं सोच रहा हूँ जो जे वाली जगह है ना, इस जगह के चारों तरफ जाली लगा दूं, उसी के बीच में भाई पंछी और रैबिट्स वगैरह रहेंगे, उसी के बीच में भाई इनका जहाँ पे घर बना देंगे। जैसे भाई चिक्स का घर हुआ, और भी काफी यार चीजें भाई मैं लेके आने वाला हूँ। अभी तो हमारे पास भाई रैबिट्स हैं, ओनली बर्ड्स ही हैं ना, दो ही चीजें, फिश वगैरह, डक्स वगैरह, कबूतर वगैरह, और भी भाई कुछ लाने वाले हैं, ठीक है, जो कि आने वाले व्लॉग के अंदर आपको दिख जाएगा। बर्ड्स का जी दाना पानी कर लेते हैं जी चेक, पानी आई थिंक भाई नहीं है, इनको डालना पड़ेगा तो ना ही भाई इनके पास दाना है यार, मैंने चेक ही नहीं किया भाई, तो चलो इनको फिर डालते हैं भाई निकाल के बाहर। इनको डाल दिया है जी मैंने दाना, अब पानी भी डाल देते हैं, इसको कर देते हैं बंद, कहीं उड़ ना जाए। और देखो अपना छोटू कर्न भी आ चुका खरगोश को देखने के लिए, तो पकड़ रहा है अभी खरगोश को, पकड़ लो फड़ लो फड़ लो कर्न, पकड़ लो पकड़ लो फड़ 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 लो भाई देवड़ी फड़ा, रुक जा मैं पकड़ के देता हूँ, एक मिनट मैं पकड़ता हूँ, काला चला गया है भाई। सभी कर्न पकड़ रहा है जी रैबिट्स, बट रैबिट्स भाई हाथ में नहीं आ रहे दोनों यार, बहुत ही तेज है। लो लो आजो आजो, वो देखो कैसे डर के मारे भाई बैठा, ओए अरे आजो आजा आजा लल जी, इनको मैं पकड़ता हूँ लल, अजा 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 आज आज। गाइस अभी जा चुके हैं जी अपने पिंजरे में, देखो भाई मस्त घास खा रहा है, लल अजो अजो। भाई सभी तो बहुत ही ज्यादा काम पेंटिंग में, एक तो भाई शेड का जुगाड़ करना है, ऊपर शेड छत डाल के ना चारों तरफ भाई जाली लगानी है, और बर्ड्स भी भाई और लेके आने हैं जैसे जानवर वगैरह हुए भाई, क्योंकि अभी तो हमारे पास ओनली रैबिट्स है और दो बर्ड्स हैं। आने वाले टाइम पे काफी कुछ यार लेने का प्लानिंग है, एक तो भाई फिश एक्वेरियम होता है ना जो, वो भी मेरा लेने का प्लान था, वो सिटी के अंदर भाई मिल भी रहा था, बट यार दिक्कत क्या, जब हम दुकान पे गए दुकान वाला बंदा दुकान पे मौजूद नहीं था, घर था इसलिए भाई हमारे आसपास तो भाई कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक तो फिश एक्वेरियम भी भाई लेके बोलते हैं जब भाई क्या बोलते हैं जो भी यार, उसके लिए सॉरी अगर मैं गलत प्रनाउन कर रहा हूँ, कबूतर वगैरह होते हैं, काफी कुछ होता है यार, आने वाले व्लॉग में आपको दिख ही जाएगा। तो भाई कर्न कर्न गिर जाएगा, मत करे यार कर्न, देखो भाई उल्टी हरकतें कर रहा है यार। तो ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, किस तरह का लगा भाई कमेंट करके बता देना, वैसे भाई अच्छा नहीं लगा हुआ, ठीक ठाक ही बना यार, मैं तो अपनी तरफ से भाई सिटी गया था, मैंने सोचा तीन चार पंछी लेके आएंगे, तीन चार चीजें लेके आएंगे, बट सिटी से हमारा काम नहीं बना, ओनली भाई दो चीजें मिली, एक तो जाली ली है और दो भाई पैरट से लेके आया हूँ। तो आने वाले टाइम पे आने वाले दिनों में दोस्तों आपको दिख जाएगा क्या क्या हम लेके आते हैं, धीरे धीरे हम भाई सभी पंछी और जानवर लेके आएंगे। अगर आप इस तरह के और भी डेली हिंदी के अंदर भाई व्लॉग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।